नमस्कार दोस्तों। देखिए, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको हमेशा जिज्ञासा होता है चीज़ों को जानने के बारे में, और जिसको जानने के बारे में जिज्ञासा है नहीं वो रियल में मनुष्य है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, और जो चीज़ों को जानना नहीं चाहता है वो पशु किसके ही बराबर है, यानी पशु के समान ही होता है। तो ऐसे हमने बहुत चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में घटता है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि क्या कारण है कि यह चीज़ें ऐसा होती हैं, यानी उसके साइंटिफिक रीजन को हम लोग जानना चाहते हैं। तो आज भी हम बताएंगे आपको एक साइंटिफिक रीजन जो हमारे घर में यानी दैनिक जीवन में हमेशा क्या होता है, घटित होता रहता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको जानते हैं कि जब हमारे घर में गैस चूल्हे नहीं हुआ करते थे, यानी जो हमारे ऐसे आज भी बहुत सारे घरों में ऐसा बनता है चूल्हे पे ही खाना बनते हैं, तो जब हमारे घर चूल्हे पर खाना बन रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता था कि जो बर्तन होते थे उनको लेप किया जाता था। वो लेप आपका मिट्टी का भी हो सकता है, लेप आपका राख का भी हो सकता है। तो आपको एक जानना मतलब जानना चाहते हो कि लेप क्यों किया जाता है, तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, तो आज हम चर्चा करेंगे इसी साइंटिफिक रीजन के बारे में। जैसे कि आपको इसमें हम बता दें कि दो तरह के रीजन हो सकते हैं। जो आपको रीजन पता होगा, यानी जो आपको रीजन बताया जाता होगा, जो पूछने पे मम्मी से बहन से पूछने पे आपको पता चलता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो बर्तन होते हैं वो अच्छी तरह से साफ हो जाएं धोने पे, ये तो हो गया जो हमको रीजन दिया जाता है। लेकिन इसका जो साइंटिफिक रीजन वो क्या कहता है, देखिए साइंस कहता है कि जब उष्मा दिया जाता है, यानी उष्मा की अगर हम बात करें तो उष्मा किसी वस्तु को जब दिया जाता है तो वह ऑब्जर्व कब अधिक करेगा, जब उसका तल क्या होगा, खुदरा होगा, यानी अगर से हम कह सकते हैं खुदरे तलों से उष्मा का जो अवशोषण अधिक होता है, ठीक है, किसके तुलना में, प्लेन अगर सतह वाला वस्तु है उसके तुलना में खुदरे सतह वाले वस्तु जो होते हैं वे उष्मा को अधिक तेजी से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यही कारण है कि उसके तल को हम लोग खुदरा करते हैं, क्योंकि जब हम उसको उष्मा देते हैं ऑब्जर्व करके उसको, उसके ताप को यानी जो बर्तन होता है उसके ताप को बढ़ाता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और समझिए, मतलब ये इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि उष्मा को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ा दिया जाता है उसको लेप लगा करके। हालांकि वो भी रीजन सही है, बर्तन उसे जल्दी से साफ हो जाते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक रीजन की बात करें तो साइंटिफिक रीजन यही है कि उसके अवशोषण क्षमता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर देखिए कोई भी अगर आप देखेंगे ऐसे बर्तन के बारे में, जैसे जो चीज़ों को गर्म रखना चाहते हैं, तो जैसे आप समझिए केतली होता है, थर्मस होता है, तो इनके जो सतह होते हैं वह चिकने बनाए जाते हैं, बाहर से चिकना बनाया जाता है। एक चीज़ समझिएगा कि जो वस्तु उष्मा को जितना तेज अवशोषित करता है उतना ही तेज उत्सर्जित करता है, यानी अवशोषण क्षमता जिसका जितना अधिक होगा उत्सर्जन क्षमता भी उतना उसका अधिक होगा, ये साइंस कहता है। यही कारण है कि जो रेगिस्तान होता है वो दिन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है, और रात में उतनी जल्दी क्या होती है, ठंडी होती है। कहने का मतलब क्या है कि रेगिस्तान जो है उष्मा का बहुत तेज अवशोषण, जो रेत होते हैं वो उष्मा पा करके, बहुत जल्दी उष्मा पा करके गर्म हो जाते हैं, यानी उष्मा अवशोषित करने की क्षमता उनमें ज़्यादा होता है, और जैसे ही सूर्य ढल जाता है तो वह उष्मा का बहुत तेज उत्सर्जन भी करते हैं। इस कारण शाम को रेगिस्तान जल्दी क्या होता है, ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो जो भी चिकने सतह होते हैं, ठीक है, यानी जो भी थर्मस वगैरह होते हैं उनके तल को चिकना बनाता है, इसलिए कि अंदर की जो उष्मा होती है वो बाहर ना आ पाए, यानी उष्मा उत्सर्जन तेजी से ना हो पाए, यानी जो अंदर जो भी हम गर्म चीज रखे हैं वह गर्म अधिक टाइम तक कब रहेगा, जब उष्मा का क्षति ना हो, उसमें से उष्मा इधर उधर ना जाए। तो यही कारण है कि उनके तल को क्या बनाता है, चिकना बनाता है। तो आई होप समझ गए होंगे आपकी क्यों लेप लगाया जाता है, इसका साइंटिफिक कारण क्या है, आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।